पता नहीं क्या होगा, कंप्लीटली ब्लैंक हूँ। वो तो अंदर जाके पता चलेगा मतलब क्या होगा। ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने जजेस को इम्प्रेस करने के लिए लाइक क्या करना चाहिए। बस यही कोशिश रहेगी कि मैं जो हूँ मैं वैसे ही दिखाऊँ, अपने आपको ऐसे प्रेजेंट करूँ। जूट हाय। हाय हाय नमस्ते। नमस्ते मतलब मैंने जूठाई जो बोला वो मतलब हमारे डिमासा भाषा में नमस्ते हुए। ग्रीटिंग्स। हाँ ग्रीटिंग्स। आपका नाम क्या है? नीतू। नीतू राजयुंग बर्मन। आपको मालूम है लड़की का नाम है? पहले थोड़ा बुरा लगता था। हाँ। लड़की है लड़की है लड़की है सब चिढ़ाते थे, लेकिन अभी अच्छा नहीं, अभी ये सब कोई फर्क अच्छा नहीं पड़ता। लगता है कि लड़की बोले? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई लड़की बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक टाइम था मैंने पूछा था मम्मी को कि मम्मी नाम किसने रखा है, मम्मी ने बोले पापा ने रखा। तो मैंने बोले क्यों, पता नहीं क्यों रखा, अच्छा लगा इसलिए रख दिया। नीतू अपने लाइफ के बारे में बताओ, क्या करते हो, क्या क्या पसंद है? मैं सिलचर हफलों आसाम से हूँ। बचपन से मस्ती दोस्ती करना मुझे बहुत पसंद है। डांस मुझे बहुत पसंद था। अपने शहर में छोटा सा मैंने स्कूल खोला है, फिर वहाँ पे डांस सिखाता हूँ बच्चों को। अच्छा वेरी गुड यार, मैं तेरा डांस सीखना चाहता हूँ। बैठिए। रूडीज के बारे में जानता तू? यहाँ पे अगर तू सच सच बोलेगा तो आपको बड़ा फायदा होगा, है ना? हाँ। तेरे को रूडीज में क्यों आना? रूडीज 9 चल रहा है सीजन। कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं रूडीज वाला मटेरियल हूँ या रूडीज में बन पाऊंगा। कुछ दिन पहले लाइक मैं टीवी में ऐड देख रहा था रूडीज का, अचानक उस दिन कोलकाता का ऐड दे रहा था, फिर दिल से पता नहीं एक आवाज़ आई एक बार ट्राई मार लेते हैं क्यों नहीं। सैटरडे को निकला था, वहाँ पे विश्वकर्मा पूजा था। ठीक सुबह को मम्मी रो रही थी, बस मैंने आग भी नहीं खोला और उस दिन मेरे को जर्नी करना था। मैंने मम्मी पूछा मम्मी हुआ क्या है, अब रो क्यों रही है? मम्मी ने बोला तेरा नेफ्यू लाइक गुजर गया। शॉक लगा, मैं रो भी नहीं पाया कुछ भी नहीं हो पाया, बट कम्प्लीटली शॉक। फिर ऐसा लगा क्या ये जर्नी मेरे लिए सही है। एक ही बात मेरे दिमाग में आया, रोडीज है करना पड़ेगा। वहाँ से अगरतला का ट्रेन पकड़ना था, लेकिन अगरतला का ट्रेन था ही नहीं उस दिन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से धर्मनगर बोल के एक जगह है वहाँ का ट्रेन पकड़ना था हम लोगों को। हम लोग चलो ठीक है वहाँ का ट्रेन पकड़ते हैं, वहाँ का ट्रेन पकड़ा। फिर पता चला कि वहाँ पर भी ट्रेन पूरी नहीं पहुँच रही है, उसका आधा एक रास्ता है मतलब एक जगह जंक्शन है जहाँ पर हम लोग को उतरना पड़ेगा। क्या हो रहा है आज, ऐसा लग रहा था मतलब सुबह से सब कुछ बुरा हो रहा है। परसों रात को 11 बजे स्वभूमि में पहुँचे, पहले जो लाइन है वहाँ तक पहुँच गया था, फिर धक्का मुक्की करके हम लोग को पूरा पीछे फिर से धकेला गया। फिर उसके बाद मतलब फेंट, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था कि फेंट हो जाऊंगा क्योंकि खाया भी आया ऐसा कुछ नहीं था। फिर दिमाग में वही आया रोडीज है, कोशिश कर क्यों नहीं होगा। रोडीज पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? रोडीज में जाने से ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी मिलेगी। उस पॉपुलैरिटी से आपको क्या फ़ायदा होगा? मेरे फ़ायदा ये होगा कि मेरे यहाँ पे स्कूल में बच्चे आएंगे, सभी चाहेंगे कि लाइक मैं नीतू से सीख सकता हूँ। ये रोडीज को हटा दो मतलब, इसके अलावा व्हाट इज़ द प्लान? रोडीज को छोड़ के मेरा यही प्लान है कि मैं अपना जो स्कूल है हाफलोंग में, फिलहाल सिलचर का वाला स्कूल बंद हो गया क्योंकि मैं हाफलोंग से वापस गया तो सिलचर वाला स्कूल वही हमारे कम्युनिटी के आदमी ने बंद करवा दिया। क्यों तो बंद करवा दिया? मुझे बस यही लगता है कि उन लोगों का एक सिली रीज़न है, बस सिली रीज़न चाहिए था उन लोगों को। सिली रीज़न ये था गलती से लाइट्स ऑफ करना भूल गए, तो उन लोगों को बस एक रीज़न चाहिए था हम लोगों को बस। नीतू मैं कुछ बोलूँ? मैं जो बोल रहा हूँ उसका इस ऑडिशन से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? जो बड़े लोग हैं ना, जो बूढ़े लोग होंगे वो हमेशा यंग लोगों को टोकेंगे, उनको हमेशा रोकेंगे, आपको हमेशा ऑपोजिशन ही मिलेगी। वो बोलेंगे नहीं तू वो मत कर जो तू करना चाहता है, तू वो कर जो हम चाहते हैं कि तू करे, मगर मत करियो। तेरा दिल जहाँ पर है, जिस चीज़ में लग रहा है, तेरे में टैलेंट तूने खुद बनाया है, तू आगे बढ़, तेरे को ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तू एक बहुत अच्छा डांसर है और मेरे ख्याल से उससे भी अच्छा टीचर बन सकता है और काफ़ी इंप्रेसिव है तू, ठीक है? और तूने जिस स्पिरिट से तो हाफलोंग से सारे मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक आया और यहाँ पर बैठ गया, वेरी इम्प्रेसिव। तेरे पास पासपोर्ट नहीं है क्या? मैंने अप्लाई किया है लेकिन मैं देखा अभी। हाँ प्रॉब्लम है बॉस। हाँ प्रॉब्लम है क्या? 2 महीना पहले अप्लाई किया है मैंने, तो ये लोग बोल रहे थे कि अक्टूबर में आएंगे, लेकिन मैंने क्यों अप्लाई किया था
मेरे फ्रेंड्स लोग लाइक वो लोग मेरे को बहुत हेल्प किए, वो लोग चाहते थे कि मैं सीखूँ, मैं बाहर जाके सीखूँ, उन लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को। फिर उन लोगों ने बोला तू पासपोर्ट बना, हम लोग मेहनत करेंगे तेरे, ज़्यादा दूर तो नहीं भेज सकेंगे, एटलीस्ट चल तेरे को बैंकॉक भेजते हैं, वहाँ पर जाकर तू सीख के आ। तो तुम्हारा ग्रुप बड़ा फाड़ू होगा, कहाँ रहता है हाफलॉन्ग? हाफलॉन्ग मेरा बर्थ प्लेस है, मैं सिलचर में रहता हूँ। सिलचर, सिलचर। कभी आएंगे तो पार्टी करेंगे तेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारे डांसिंग ग्रुप का? द अनबियरेबल्स। द अनबियरेबल्स। थैंक्स यार नीतू, तेरे से मिलकर बड़ा मजा आया। ओके थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से जाने से पहले क्या ना मतलब हग करना चाहूंगा। श्योर मैन। इस तरह से तू यहाँ तक पहुँचा है मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि रूडीज किसी तरह तेरे को इंस्पायर कर पाया। ऐसे रहिए, ठीक है? प्लेजर टू मीट यू मैन। सोचा नहीं था कि मैं जो मेरे दिल में बात है, जो छुपा हुआ है, जो गड़ा हुआ है इतने दिन से, मैं नेशनल टीवी में बोल पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ मैं बोल पाया। Great guys, superb. मैं जब भी Assamese, Sikkimese, जब भी इन लोगों से मिलता हूँ ना, मेरे को रियली ऐसा लगता है कि यार they're very talented, extremely nice people, you know. They are fit, हर चीज में passionate, और ऐसे लोगों को देख के लगता है कि मैं बताऊँ यार, it is tough यार। इसके पास अगर passport होता ना, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा बंदा बहुत पसंद आएगा, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से तगड़ा बंदा आ जाए ना। तुम्हारा passion, if I'm around, मजा आ गया। Good interaction. Next. Next.